अब आदित्य छिपा, इनका सवाल है, ये जयपुर से हैं, इंडस टावर के 500 शेयर, 247 का भाव है इनका। तो अभी डेली वीकली चार्ट सब पे ये कह रहे हैं कि डबल टॉप भी बना हुआ है, लॉन्ग टर्म व्यू भी। अब इसमें क्या नई एंट्री कहाँ करें, नई एंट्री के बारे में सोच रहे हैं। बीच में अभी ये जो वोडाफोन वाली खबरें आई, एजीआर वाला मसला था, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी कैलकुलेशन नया करने से मना कर दिया कि भाई जो आपको देनदारी भरनी है वो भरनी है, साफ साफ कह दिया। तो उसका असर हमें कहीं ना कहीं इंडस टावर पे भी देखने को मिला उस खबर का। लेकिन थोड़ा सा इसको समझाइए कि भाई अगर वोडाफोन को पैसे चुकाने हैं तो इंडस टावर के लिए परेशानी क्या है। ये तो मुझे इंडस टावर में ट्रैक नहीं करता रहा जी, इसलिए मुझे बहुत इसका आइडिया नहीं रहेगा। वोडाफोन की परेशानी तो बिल्कुल क्लियर समझ में आती है, बिकॉज उनके ड्यूज हैं, तो मुझे नहीं मालूम है वो इंडस टावर के पीछे का रीजन। इसको मैं प्राइस के हिसाब से समझा सकता हूँ। बाकी रही बात इनके नंबर्स की, तो इनके नंबर्स को देख सकते हैं और इसके नंबर्स को समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एजीआर स्टैंड पॉइंट से मुझे इनका पता नहीं है, इनके क्या ड्यूज हैं, नहीं है, क्या है, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पता। और है तो उसका असर क्यों है और क्या है, इसका आइडिया मुझे नहीं है। बीच में इसने जब 50 डे मूविंग एवरेज को छोड़ा और ये एडीआर वाली खबर के साथ ही हुआ था, तो आपके सामने काफी बड़ी कैंडल बनी हुई है जो 365 से लेकर के ऊपर 431 तक की है। तो इतनी बड़ी कैंडल बनाने के बाद अगले दिन इसने जरूर एक छोटा सा कुछ डोजी पैटर्न जैसा बनाने की कोशिश की है, लेकिन क्या खतरा इसका टल गया है या अभी भी आपके सामने ये रिस्क रहेगा कि ये 360-365 के नीचे और ज्यादा गिर जाए। रिस्क तो है, शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, लेकिन रिस्क अभी बना हुआ है, बिकॉज मेन सपोर्ट जो था वही आपका छूट चुका है, वह 400 का। तो अभी इसमें सिचुएशन बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा है, और जिस तरह का अभी थोड़ी देर पहले एक स्ट्रक्चर डिस्कस भी किया था मैंने आपसे, एक डबल टॉप या राउंडिंग टॉप का स्ट्रक्चर बना तो वो खत्म हो जाता है 400 पे। अब ये 400 के नीचे है, तो 400 के नीचे है तो आपको ये ओपन रखना पड़ेगा, इवन अप अंटिल 200 DMA, हो ना हो अलग बात है, लेकिन ओपन तो वहां तक रखना पड़ेगा। अब इसको जी निगेट क्या करेगा, निगेट करेगा 435, 435 इसको निगेट कर पाएगा। 435 के ऊपर जाने के बाद आप कह रहे हैं कि फिर कुछ नया बनेगा, ले यानी जहां से आप गिरे थे एजीआर वाली खबर के बाद, अगर आप उसके ऊपर निकलने लग गए तभी जा करके फिर वापस कुछ बेहतरी की उम्मीद बनेगी। करेक्ट। तब तक इसमें क्या रणनीति लेकर के चलनी चाहिए। इनका तो 247 के भाव पे है आदित्य जी का, तो उस हिसाब से शायद इनके लिए अभी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर हाथ में आया हुआ पैसा भी निकल जाए तो वो भी एक तरह का नुकसान ही है। तो उस हिसाब से इनको क्या रणनीति लेकर के चलनी चाहिए। जनरल इसमें मेथड तो होना यही चाहिए कि 400 के तरफ कोई भी अगर बाउंस मिलता है, 400, 410 ये सब रेंज तक कोई भी बाउंस मिलता है, तो ये सेल ऑन राइज का कैंडिडेट बन सकता है। मे बी 420 तक भी इसमें बाउंस आ सकता है, सेल ऑन राइज का कैंडिडेट ही बनता है, और तब तक बनता है जब तक 435 के ऊपर क्लोज नहीं हो। जी ठीक है, तो 435 के ऊपर जाने के लिए शायद इसे वापस किसी बड़ी फंडामेंटल खबर की जरूरत होगी, चाहे वो रिजल्ट्स के फ्रंट पे आए या किसी और न्यूज़ के रूप में आए। हाँ, ये थोड़े दिन थोड़ा सा वॉच कर लीजिए, बिकॉज भारती के एजीआर का उसके टावर बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा, कहीं ना कहीं कोई एनालिसिस तो जो सेक्टर को ट्रैक करता होगा, एनालिस्ट का उसके कवरेज में आ जाएगा, और फिर उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। जी ठीक है, वैसे इनका कुल मिलाकर के अगर हम सेल्स और नेट प्रॉफिट का ट्रेंड देखें तो उसमें कोई बहुत आपके सामने फिलहाल पिछले कुछ समय से तो चिंता नहीं है, पिछले 5-6 तिमाहियों से तो एक स्टेबल तरीके से इनका काम आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि टॉप लाइन में उतनी ग्रोथ नहीं है, लेकिन बॉटम लाइन ठीक ही चल रहा है। लेकिन ये प्राइस पैटर्न जो बना है उसके चलते आपके सामने एक बड़ी चिंता है।